Hi everyone, hope you all are doing well. Welcome to our channel Sister Reaction and it's me Nayab here. It's me Elise here. आज की वीडियो बहुत ही ज़्यादा स्पेशल है हमारी सिख कम्युनिटी के लिए कि आप लोगों को आज हम बताएंगे कि पाकिस्तान में सिख कैसे रहते हैं. एक वीडियो बहुत कमाल जो कि बनी हुई है, हम इसके ऊपर आज करेंगे रिएक्ट एंड आपने वीडियो को एंड तक देखना है. विदाउट एनी फर्दर डिले लेट्स स्टार्ट द वीडियो. बट पहले इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें एंड चैनल पे न्यू है तो सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा एंड प्रेस द बेल आइकॉन. सो लेट्स स्टार्ट द वीडियो. हमें कजन कहते हैं कि आप लोग क्यों नहीं आते हो इंडिया या क्यों नहीं जाते हो. जो प्यार मोहब्बत हमें यहाँ मिलता है ना और जो आप लोग दे रहे हैं, यही वजह है जो हमें बाहर जाने नहीं है. और यकीन माने हमारे साथ हर जगह पे लोग खड़े होकर हमारे साथ सेल्फियां बनाते हैं, कहते सरदार जी आपको देख के खुशी हो. मैं कहता हूँ जितना प्यार हमें इस मुल्क में मिल रहा है ना, मैं इंडिया से अभी आया हूँ 2 महीने पहले, इतना प्यार इंडिया में भी नहीं है. पाकिस्तान जिंदाबाद, पाक फौज पाई जिंदाबाद, जिंदाबाद जिंदाबाद. कितना मजेदार होता है ना, तो साउथ होल है ना, ये इंडिया है, ये है हमारा पाकिस्तान. और ये जो आप देख रहे हैं सिख भाई हमारे, ये हमारे पाकिस्तानी सिख भाई हैं और इनका यहाँ पे अरसा दराज से बिजनेस है. ये पार्टीशन से पहले से इनके ग्रेट ग्रैंडफादर्स यहाँ पे बिजनेस करते थे और इन्होंने अपनी रूट्स नहीं छोड़ी और ये उस वक्त से पाकिस्तान के साथ जुड़े हुए हैं और अपना बिजनेस चला रहे हैं. माशाल्लाह आप देख सकते हैं इतनी बड़ी शॉप पे कारखानों मार्केट में. तो भाई आप हमें अपने बारे में बताएं, आपका नाम क्या है? मेरा नाम रघुवीर सिंह है और मैं पेशावर से ताल्लुक रखता हूँ. यहाँ पे हमारी तकरीबन पाकिस्तान में अगर देखा जाए तो सबसे ज्यादा सिख कम्युनिटी पेशावर में, सबसे ज्यादा. हमारी जबान जो है पंजाबी भी बोलते हैं, उर्दू भी बोलते हैं. तो पंजाबी बोले फिर पंजाबी से गल कर लेने, पंजाबी से भी गल करो. तो ज्यादातर साड़ा जेड़ा बिजनेस है और पठाना दे नाल है, ठीक है, ता करके ऐसे पश्तो स्पीकिंग जेड़े आ वो ज्यादा स्पीक कर दे. ठीक है, तो पंजाबी से भी गल कर सकते हो, इस तरह की कोई गल नहीं. पश्तो लगे लगे राजी, पख्तूम राजी, पख्तूम राजी, अफरीदीम राजी. और बेहतर खबर अदा था ना उर्दू बांधे टोल खलक को, उर्दू में भी बात कर लेते सबको समझ आ जाती है. तो ये पाकिस्तान से हम प्यार करते हैं, खुशी होती है बहुत ज्यादा देख के माशाल्लाह से अपने मुल्क में किस तरह ओन करते हैं पाकिस्तान को. और आपने शुरू से यहीं पे अपना रखा है हिसाब किताब और आपने मूव नहीं किया. तो और बताएं आपके यहाँ पे किस तरह के बिजनेस है आपका? हमारा कॉस्मेटिक्स का काम है, ज्यादातर सिख कम्युनिटी जो है यहाँ पे मोबाइल कपड़े का काम और हिकमत का काम करते हैं और कॉस्मेटिक्स का काम करते हैं. पार्टीशन दौर से जब 2 हिस्सों में मुल्क तकसीम हुआ था बरसगीर, तो हमारे कुछ लोग यहाँ पे रह गए थे जो खैबर एजेंसी में शिफ्ट हो गए थे. तो उस टाइम से ये सिलसिला आता रहा, अभी तक ये जारी है. काफ़ी खुश हैं, मैं खुद यहाँ पे तकरीबन 10-11 साल से काम कर रहा हूं. माशाल्लाह आप खुश हैं तो इसीलिए. हाँ बिल्कुल, कस्टमर और हमें खुद बड़ी खुशी होती है जब हम देखते हैं हमारे मुल्क में तरह तरह के रिलीजन्स हैं और माशाल्लाह से अपनी मतलब आज़ादी के साथ आप लोग रह रहे हैं. आपको कभी तकलीफ हुई है पाकिस्तान में अपने रिलीजन की वजह से? नहीं, अल्हम्दुलिल्लाह कोई तकलीफ नहीं. जहाँ पे हम जाते हैं अगर देखें, हम पंजाब साइड पे जाते हैं खैबर पख्तूनख्वा या कहीं पे या कहीं ट्रेवल करने जाते हैं मरी कलाम वगैरह वगैरह, तो अल्हम्दुलिल्लाह सब बहुत प्यार से मिलते हैं. और यकीन माने हमारे साथ हर जगह पे लोग खड़े होकर हमारे साथ सेल्फियां बनाते हैं, कहते हैं सरदार जी आपको देख के खुशी होती है. क्योंकि तादाद यहाँ पे बहुत कम है सिख कम्युनिटी और लोग बहुत प्यार से मिलते हैं, हमें बहुत प्यार मिलता है. कहीं पे जाते तो यकीन करें कहानी की दावत मिलती है. माशाल्लाह. तो मैं कहता हूँ जितना प्यार हमें इस मुल्क में मिल रहा है ना, मैं इंडिया से अभी आया हूँ 2 महीने पहले, इतना प्यार इंडिया में भी नहीं है. और ना मेरे दोस्त जो है इंग्लैंड में रह रहे हैं, वो भी कहता है रघुवीर भाई जो वक्त हमने पाकिस्तान के शहर में गुजारा है. देखिए गुरु नानक की कसम खा के बताएं, मैंने आपको पैसे नहीं दिए ये सब बोलने के लिए. अल्हम्दुलिल्लाह यही बात है ना कि लोगों को यकीन आना चाहिए कि ये आप दिल से बोल रहे हैं, आपको किसी ने बोलने के लिए नहीं कहा. जो अपने आप को सरदार कहेगा वो पैसे लेकर
बिल्कुल मतलब आप खुद से बोल रहे हैं ना, लोग ज्यादातर यही समझते आप किसी रोग में आके बोल रहे हैं, ये मैंने क्लियर किया यहाँ पे। हाँ बिल्कुल, ये हमारे मुल्क में ये सुन ले भाई, जिन जिनको है ना शक माइनॉरिटीज के साथ यहाँ पे अच्छा सलूक नहीं होता, तो ये माइनॉरिटीज के सामने आपको खुद बता रहे हैं वो लोग कि माशाल्लाह कितने अच्छे तरीके से पाकिस्तान को डील करता है, और ये माशाल्लाह इतने अरसे से यहाँ पे रह रहे हैं, तो इसकी कोई वजह है तो ये रह रहे हैं। प्यारी बात ये बताऊंगा, किसी दिन कुछ दिन पहले हमारा ट्रेन एक्सीडेंट हुआ था जिसमें 22 सिख डेथ हो गए थे। तो यकीन माने सुना था, यहाँ का तो मैं यहाँ की तो घर घर के इलाके इलाके के बच्चे तब तक नहीं सोए जब तक उनकी डेड बॉडीज यहाँ पे नहीं आई थी। यानी इसका मतलब ये है कि यहाँ के इलाके के लोग हमसे बहुत प्यार करते बिल्कुल करते हैं, हमारे हर गम और खुशी में शरीक बिल्कुल शरीक है, और पाकिस्तान के कोने कोने से लोग आए इस गम में हमारे साथ शरीक हुए। तो ये भी एक तो आप भी पाकिस्तानी हैं और उतने ही पाकिस्तानी हैं जितने हम पाकिस्तानी हैं, आप में और हमें कोई फर्क नहीं है। बिल्कुल आपने इस मुल्क को चूज किया, हम एक है बिल्कुल, एक ही बात है, और बिल्कुल प्यार मोहब्बत से रह रहे, तो काफी प्राउड हमें फील अल्हम्दुलिल्लाह। यकीन माने मेरे पास यहाँ पंजाब से जब कस्टमर आते हैं, कई से कस्टमर आते हैं, तो कहते सरदार जी आपको देख लिया, कुछ लेना नहीं है, बस आपके साथ दो प्यार की बातें और एक तस्वीर निकालनी है। तो ये भी प्यार मोहब्बत है जो आपको पाकिस्तान में मिलेगा, मिला है। देखिए ना, हमें सबसे प्यार हमारे गुरु नानक की तालीमत या जो भी ले लें, हमें अल्लाह ने भी ये बताया सबसे पहले इंसानियत है, मजहब इंसानियत, ठीक है, कोई इस्लाम है, कोई सिख है, कोई हिंदू है, कोई ईसाई है, सबकी रिस्पेक्ट करनी है। कहने का मतलब ये कि हम सबको आपस में प्यार से रहना चाहिए और इंसान की कदर होनी चाहिए। प्यार मोहब्बत बना रहेगा तो सब कुछ होगा और नफरतें खत्म हो जाएगी, लेकिन एक दूसरे को समझना होगा, बाकी ऐसी कोई बात नहीं। और हमें अल्हम्दुलिल्लाह अभी तक प्यार मिलता आया है और तो आप अपने गुरु नानक की जो बर्थ प्लेस है वहाँ पे भी आप अक्सर विजिट करते हैं, आप तो क्योंकि रहते हैं यहाँ पे, आप तो बहुत लकी इस हिसाब से। मैं कहता हूँ आप अपने वहाँ के लोगों से ये सवाल करें कि आप लोग कितने ख्वाहिशमंद हैं पाकिस्तान जाने के लिए, क्योंकि आप लोग यहाँ से जब कहते हैं ना कि हमें सऊदी अरब जाना है मक्का मदीना के लिए, तो पाकिस्तान में गुरु नानक का दरबार या गुरुद्वारा या करतारपुर कॉरिडोर पाकिस्तान गवर्नमेंट की बड़ी शुक्रिया अदा करते जिन्होंने मल्ली करतारपुर का कॉरिडोर खोला है 72 साल के बाद। तो ये देखिए, ये जो बाहर से लोग आएंगे उनसे ये खुशी पूछोगी ये उनके लिए क्या है। हम तो जाते रहते हैं, हर साल जाते हैं, बल्कि हर 6 महीने बाद 2 महीने बाद प्रोग्राम या किसी शादी या कोई गम वगैरह हर चीज के लिए हम जाते रहते हैं। पंजा साहब भी जाते हैं और ननकाना साहब भी जाते हैं। हमें कजन कहते हैं कि आप लोग क्यों नहीं आते इंडिया या क्यों नहीं जाते हो भाई, हमारे लिए जाना कोई मुश्किल नहीं है। पर यकीन माने मैं आपको ये एक बात रियल बताता हूँ, जो प्यार मोहब्बत हमें यहाँ मिलता है ना और जो आप लोग दे रहे हैं, यही वजह है जो हमें बाहर जाने नहीं देती। माशाल्लाह खुशी सुन के बहुत ज्यादा, ये यकीन, ये मैं आपको हकीकत 101% बता रहा हूँ। सो प्राउड फील करते हो और बहुत खुश है, और हमें भी आपसे मिलकर उतना ही अच्छा लगे जितना आपको लगे। जरूर होने चाहिए। आपने देखा कितने ही कमाल तरीके से और कितनी पीसफुली और हम सब मिल के यहाँ पे रहते हैं, और सिख कम्युनिटी हमारी रिस्पेक्टेड है, हिंदुओं क्रिश्चियन हो सिख हो जितने भी मुस्लिम इक्वल फॉर अस। यस, तो और सिर्फ यहाँ पे सिख कम्युनिटी ही करतारपुर विजिट नहीं करती, हम लोग भी जाते हैं, मैं खुद विजिट कर चुकी हूँ करतारपुर कॉरिडोर, बहुत मजे की जगह है। एवरी रिलीजन के लोग जाते हैं, जाके देखते हैं और या वहाँ पे और रिस्पेक्ट भी उतनी देते हैं। बिल्कुल, और मैं खुद वहाँ पे काफी सिख ब्रदर्स थे जिनसे मैं मिली हूँ जी। तो अगर आपको वीडियो लगी है अच्छी तो उसको कर दो लाइक, अपने फ्रेंड्स के साथ करें शेयर, और चैनल को हमारे सब्सक्राइब किए बिना नहीं जाना, सब्सक्राइब करें पहले और घंटी के बटन को भी प्रेस करें ताकि हमारी आने वाली हर वीडियो आप तक पहुंच जाए। और इसी तरह की मज़ीद बहुत अच्छी अच्छी वीडियोस हम लेके आएंगे, बट आपकी कोई रिक्वेस्ट है तो कमेंट में ज़रूर बताइएगा, एंड बहुत जल्द नई वीडियो के साथ मिलेंगे। तब तक अपना बहुत ख्याल रखें, टिल देन हमारी बाकी की वीडियोज़ भी देख लें। हाँ, एंड बाय बाय।